वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा साजना दिवस सिख हर साल ही एक वैसाख नूं संसार भर दे विच बड़ी श्रद्धा उत्साह सहित मनाउंदे ने। जिथे ये खालसा साजना दिवस पूरी दुनिया दे विच नानक नाम लेवा सिखां वल्लों, गुरु खालसा पंथ वल्लों मनाया जांदा है, उत्थे तखत श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो की धरती दे उत्ते हर साल ही ये पावन पुरब बड़े ही श्रद्धा भावना उत्साह सहित मनाया जाता है। इस बार भी 13 अप्रैल नूं यह पुरब है, एक वैसाख नूं, तो इस बार भी ये पुरब जिहड़ा तखत श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते बड़ी ही भावना सहित मनाया जा रहा है। दुनिया भर के संसार भर के सिखां नूं अपील है कि तखत श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते 11, 12, 13 अप्रैल नूं, 14 अप्रैल नूं ये पावन पुरब मनाया जा रहा है। इस मौके वध तो वध गिनती दे विच शमूलियत करन दी कृपालता करो। 11 तरीक नूं श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ हो जाणगे, 13 अप्रैल नूं जिथे श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पैणगे उत्थे 12 अप्रैल दी शाम तो ही लगातार धार्मिक दीवान हाल दे विच चलदे रहणगे, जिदे विच पंथ दे उच्च कोटी दे ढाडी जत्थे प्रचारक साहिबान, कविशर साहिबान गुरु का जस सुना के संगतां नूं निहाल करनगे। 14 अप्रैल नूं मोहल्ला कढ़िया जाएगा जो गुरद्वारा महलसर साहिब विखे जा के समाप्त होएगा, और 3 दिन खंडे बाटे का अमृत संचार तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो की पावन धरती के उत्ते होएगा। संगतां नूं अपील है कि वध तो वध गिनती दे विच हुम हुमा के श्रद्धा ते उत्साह सहित खालसा साजना दिवस विसाखी के इन्हों समागमों के संगत वध तो वध गिनती दे विच तलवंडी साबो तख्त श्री दमदमा साहिब पहुँचने की कृपालता करे। किसी किस्म का भय डर आदिक जिहड़ा है वह अपने मन दे विच ना रख्या जाए। तखत साहिब वालों भी सारे प्रबंध जिहड़े आ मुकम्मल कर ले गए आ, और प्रशासन नाल मीटिंग हुई है, प्रशासन ने भी सारे प्रबंध जिहड़े आ वह मुकम्मल कर रहे हैं, कुछ प्रबंध जिहड़े आ मुकम्मल हो रहे हैं। संगत बिना डर पै वध तो वध गिनती दे विच तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते पहुँचने की कृपालता करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।